नमस्ते, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ आर डी यू एल एल बी सीरीज़, जिसमें हम 2018 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज भी हम 15 सवाल डिस्कस करेंगे। अगर हो सके तो वो नीचे वाला अंगूठा दबा दीजिए ताकि YouTube कैन हेल्प अस आउट इन रैंकिंग आवर वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि जी बताइए इस सेंटेंस में क्या गलत है। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। माई मदर आस्क्ड मी दैट वॉट आई वॉज डूइंग। करेक्ट जो सेंटेंस है वो होना चाहिए यहाँ पे, माई मदर आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग। वो तो ठीक है, ये दैट बीच में कहाँ से आ रहा है? तो दैट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज दैट व्हाट आई वाज डूइंग को टिक मार्क मारिए, चार नंबर उठाइए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 62 पे। अब कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं, जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आप उससे क्या हिसाब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो लोग गंजे होते हैं वो जनरली हैप्पी होते हैं। ये कीवर्ड हमेशा नोट कर लेना, एक ना एक ऐसा एक ट्रिक वर्ड दे देगा ये आपको। यहाँ पे है जनरली, उसके बाद लगा दिया भाई साहब ने फुल स्टॉप। दूसरी स्टेटमेंट दे दी है आसिफ इज बॉल्ड। अच्छा जी, तो देयरफॉर आसिफ इज हैप्पी। लेकिन यहाँ पे आपने पकड़ना है किसने बोला था कि लोग जो गंजे होते हैं वो जनरली हैप्पी हैं। अच्छा जी, अब आसिफ गंजा है तो इसलिए आसिफ जरूर ही खुश होगा? नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं कि जी हम हिसाब लगा सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 3 प्रॉबेबली ट्रू, हाँ हो सकता है कि खुश है। अब आपने कहा कि जनरली हैप्पी रहते हैं गंजे लोग, तो आसिफ गंजा है तो काफ़ी चांस हैं उसके खुश रहने के, जबकि वैसे ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ प्रॉबेबली ट्रू। प्रॉबेबली ट्रू इसलिए क्योंकि वो वर्ड जनरली है वहाँ पे। अगर वो वर्ड जनरली हटा दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, बट सिंस वो वर्ड जनरली है दैट इज़ द ट्रिक। तो ये भी आपके चार नंबर जेब में। देन क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन मिल्क मेक्स इट वाइट। अच्छी बात है। तो कहता है एग इज़ वाइट। अब माइंड यू इसके अंदर अभी कोई कनेक्शन नहीं है। एग इज़ वाइट इज़ सेपरेट, presence of calcium in milk makes it white is separate. तो अब इसमें conclusion क्या निकाल रहा है? Therefore egg also contains calcium, क्योंकि अब दूध के अंदर calcium होने की वजह से दूध सफ़ेद है और अंडा तो होता ही सफ़ेद है, तो इसलिए अंडे में calcium है। आपको बहुत ज़्यादा tempting लगेगा कि option number 1 true आप choose करें और चार number उठाएं और आगे चलें, लेकिन वो चार number नहीं आपको -1 दे देगा उसके अंदर, because the correct option is can't be determined. इसका कारण ये है कि जो भी ऐसे सवाल होते हैं इसमें अब आपने भूल जाना है कि जनरल ट्रुथ क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ दूध में तो ऐसा ही होता है, आप दूध भूल जाइए, रियल लाइफ में क्या एग्जिस्ट करता है। आप सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। ये सवाल का जो डोमेन है वो क्लोज्ड ऑफ है, एंड दैट इज़ द ट्रिक टू दीज क्वेश्चंस। ये आपको जनरलाइज स्टेटमेंट्स देगा रियल लाइफ से, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से बात करनी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्योंकि दूध में कैल्शियम है इसीलिए वो सफ़ेद है, और फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अंडा सफ़ेद है तो इसीलिए अंडे में भी कैल्शियम है। नहीं, तो हम नहीं कह सकते यहाँ पे कि भैया अंडे में कैल्शियम है कि नहीं है, हमें क्या पता। तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन मिल्क मेक्स इट वाइट, तो वो दूध का बिजनेस है, अंडे की टॉपिक टोटल अलग है, हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते कुछ भी। ठीक है जी, चार नंबर उठाइए, क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, ट्री लीफ ब्रांच एंड स्टेम। आपके लिए फ्री के चार नंबर बोनस में। लीफ ब्रांच स्टेम एक पोर्शन, ट्री बिल्कुल अलग, तो आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर 1 ट्री इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ट्री इज अ सेपरेट यूनिट, लीव ब्रांच स्टेम आर कनेक्टेड। देन चूज द करेक्ट इन्फ्रेंस, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। अब इसके अंदर से ऑड वन आउट में आपको कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। राम के आगे इन्होंने कुछ नंबर्स दे दिए, सुआ के आगे कुछ नंबर दे दीजिए, हॉप के आगे कुछ नंबर दे दिए और मैप के आगे कुछ नंबर दे दिए। चलिए दो तीन फैक्टर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे लॉजिक इसका समझ में आएगा नहीं। सबसे पहले देखिए, राम में 1 से स्टार्ट हो रहा है, सुआ में 1 से स्टार्ट हो रहा है, हॉप में 8 से स्टार्ट हो रहा है, मैप में फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक अंदेशा हमें आ गया हॉप की तरफ। अच्छा, अब दूसरा देखें, एंडिंग किससे हो रही है? राम में 3 से हो रही है, सुआ में 1 से हो रही है, हॉप में 6 से हो रही है। 6 इज एन इवन नंबर, अभी तक 3 और 1 दोनों ऑड नंबर्स थे। देन मैप में फिर ऑड नंबर से हो रही है, दैट इज 5। 2 अब आपके हॉप की तरफ चले गए। फिर एक तीसरी चीज़ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में राम में ए लेटर है, सेकंड सुआ में ए लेटर है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में फिर ए है, तो इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज 3 नंबर, विच इज हॉप। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी, डिस्प्यूट भी हुआ था डी यू एल एल बी 2018 में। मेरे हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन है, अगर आपको कुछ और लगता है उसका लॉजिक देके आप कमेंट में हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, अ डैश ऑफ शिप्स, इट इज़ ऑलवेज अ फ्लीट ऑफ शिप्स, क्योंकि आर्मी तो होगी नहीं, बेल्ट भी कैसे होगी, और पैक तो कभी बोलते नहीं,
तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट वन, दैट इज फ्लीट ऑफ शिप्स। ये बड़े आसान से सवाल होते हैं, इनको आपने ठीक करना ही करना है। क्यों? क्योंकि बाकी जो सवाल हैं वो टफ हैं। अगर आप पार्ट वन टू पार्ट फोर इस वीडियो सीरीज़ का देखेंगे आपको समझ में आएगी कि हाँ भैया ये सवाल जो पॉलिटी पे या गवर्नेंस पे पूछ रहा है वो थोड़े से टफ हैं। और करंट अफेयर्स के सवाल कोई टीचर आपको एग्जैक्टली वो नहीं रटवा सकता जो ये पूछने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ भी पूछ लेते हैं तो और आप कितना रट लेंगे। लेकिन ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, तो इन पे आपको चार पे चार पे चार फ्री नंबर उठाने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, अ डैश ऑफ बबून्स। बबून्स मालूम है क्या होते हैं? बबून्स, फोटो आपकी स्क्रीन पे आ गई, बहुत बार देखे होंगे। लंगूरों के दूर के रिश्तेदार मालूम होते हैं, तो हमेशा इनकी कांग्रेस लगती है, हमारे नेताओं की तरह ही होते हैं ये, तो इट्स ऑलवेज अ कांग्रेस ऑफ बबून्स। ये फोटोग्राफ मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आपके दिमाग में रह जाए। ये क्वेश्चंस हम सिर्फ डी यू एल एल बी के लिए नहीं कर रहे, दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, कुछ हो, तो आपकी बड़ी सारी जगह की तैयारी एक ही बार में हो जाती है यहीं से। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 68, अब कह रहा है कि एब्रोगेट का नियरेस्ट मीनिंग इन ऑप्शंस में से बता दो। तो उसके लिए हमें एब्रोगेट मालूम होना चाहिए कि एब्रोगेट का मतलब क्या होता है। तो एक टर्म आपने काफ़ी बार सुनी होगी, उसको कहते हैं रिपील। रिपील का ही भाई होता है एब्रोगेट। तो रिपील एक प्रोसीजर से, कोई भी कानून जब स्ट्राइक डाउन किया जाता है या हटाया जाता है तो उसको रिपील कहते हैं। तो सिंस प्रोसीजर इन्वॉल्व है तो इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसीजर, और हटा रहे हैं उसको तो रिवोक हो गया, तो रिवोक फॉर्मली ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे कि जी एक्सटॉल के भाई बंधु को बताओ। अब एक्सटॉल का क्या मतलब होता है? पहले हमें एक्सटॉल का मतलब जानना पड़ेगा। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेज एंथुजियास्टिकली, आप किसी की प्रशंसा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें भी एक्सटॉल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं पसंद आ रहा हो तो गाली भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख भी देंगे तो हमारे कौन से पैसे जाएंगे, और हमारे को पैसे कोई मिलते भी नहीं है। तो एक्सटॉल के साथ जो नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया, दैट इज़ ग्लोरीफाई, कि जी आप किसी की बहुत अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक। बड़े ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड थर्ड या स्टैंडर्ड फोर्थ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। आई हैव नेवर सीन डैश पेंटिंग बिफोर, तो आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बिफोर। एनी ब्यूटीफुल गलत है, एज ब्यूटीफुल गलत है, सो ब्यूटीफुल पेंटिंग बिफोर गलत। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बिफोर। इंग्लिश में एक बात याद रख लेना, जो ऑप्शन आपको सही सुनाई दे रहा हो दैट इज द मोस्ट लाइकली करेक्ट ऑप्शन। As beautiful painting before, गलत सुनाई दे रहा है, so beautiful, गलत सुनाई दे, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, दे डैश लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक नेक्स्ट ईयर। अब आगे की बात कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर है तो फ्यूचर टेंस। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए हैव बिन तो पुराने की बात हो गई, हटा दो इसको। दे विल बी लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक नेक्स्ट ईयर, वेरी गुड, साउंड्स वेरी गुड, लेकिन दो अलग ऑप्शन भी हैं उनको भी देख लेते हैं। दे विल लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक नेक्स्ट ईयर, ना, इनकम्प्लीट है। और चौथा ऑप्शन, दे विल हैव टू लर्निंग, अगर ये यहाँ पे लर्निंग के बजाय लर्न होता तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था, दे विल हैव टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक नेक्स्ट ईयर, बट यहाँ पे लर्निंग है तो दे विल बी लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, चार नंबर उठाएंगे और क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे। फिल इन द मिसिंग वर्ड, इंसेक्ट इज टू डिजीज, मतलब कीड़े से बीमारी हो सकती है, तो वॉर से क्या होगा? आर्मी तो होगी नहीं, वॉर से विक्ट्री, लेकिन लॉस भी तो हो सकता है, वॉर से डिस्ट्रक्शन पक्का ही होती है, यही करेक्ट ऑप्शन है। वॉर इज टू वेपन, ना, वेपन से तो वॉर की जाती है, तो इंसेक्ट से डिजीज करवाया नहीं जाता, इंसेक्ट से डिजीज होता है, तो वॉर, तो इंसेक्ट इज टू डिजीज, वॉर इज टू डिस्ट्रक्शन। मूविंग ऑन, डिस्टेंस इज टू मीटर, फोर्स इज टू यूनिट मांग रहा है। डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? मीटर में, तो फोर्स को किस में नापेंगे? न्यूटन में। अभी राजकुमार राव की बढ़िया सी पिक्चर भी आई थी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 74, इंडिक कैलेंडर पे एक क्वेश्चन है, नहीं आता छोड़ देना, -1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ रहा है कि जी मीनिंगफुल सीक्वेंस में आप इनको लगाइए। अब मीनिंगफुल सीक्वेंस का मतलब है कि ये जो महीने जो दे रखे हैं, चैत्र, फाल्गुन, माघ, भद्रपद, आषाढ़, तो इनको आपने लगाना है सीक्वेंस में। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है तो थोड़ी सी हम रिवीजन कर लेते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चैत्र के बाद आषाढ़ आता है, उसके बाद भद्रपद आता है, उसके बाद माघ आता है या मघ, उसके बाद आता है फल्गुन। तो ये सीरीज़ है, पहले मार्च से शुरू होते हैं, फिर हम जून में जाते हैं, फिर हम सेप्टेम्बर में जा रहे हैं, फिर हम फरवरी में आ रहे हैं, फिर हम घूम के वापस मार्च में आ रहे हैं। तो कहीं पर अपनी नोटबुक में ये सीक्वेंस आप याद रख लीजिए, CABMP, सिंपल सा फंडा है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। कैब लेनी है आपने MP में, तो कैब टैक्सी लेके मध्य प्रदेश चले जाइए, आपको सीक्वेंस याद रह जाएगी।
दिस इज अगेन अ मेमोरी ट्रिगर. सो CABMP के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या बना? करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर 4. अब CABMP लिख लीजिए या CABMF लिख लीजिए, आपकी इच्छा. क्वेश्चन नंबर 75 स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद कंक्लूजन दे रहा है. स्टेटमेंट क्या दे रहा है? ODI मैच में 300 रनों में से 240 जो रन हैं वो बॉलर्स ने बनाए. अच्छी बात है, कोई आखिरी के दो तीन बैट्समैन मार गए होंगे. वेरी गुड. तो कंक्लूजन कह रहा है द ओपनिंग बैट्समैन वर बॉलर्स. अच्छा, ओपनिंग बस जरूरी थोड़े ना, जरूरी थोड़ा ना. हाउ कैन यू कंक्लूड दिस इन्फॉर्मेशन? हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने रियल लाइफ कैलकुलेशंस हटा देनी है, आपने इसी इन्फॉर्मेशन के साथ काम करना है जो आपको दी गई है. अच्छा, कंक्लूजन क्या कह रहा है? ओपनिंग बैट्समैन वर बॉलर्स. ये आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से? जैसा कि मैंने अभी बोला कि लास्ट के दो से तीन बैट्समैन ने रन बना दिए होंगे, हम कैसे बोल दें कि भाई साहब जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो बॉलर्स ही होने चाहिए? क्योंकि ये कंक्लूजन निकाल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो ड्रॉ आउट कर रहे हैं हम वो पक्की होनी चाहिए. पक्की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पर तो बहुत बड़ा डाउट है कि ओपनिंग बैट्समैन बॉलर कैसे हो गए. दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है? 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट्स ऑफ बॉलर्स. कैसे आप कंक्लूड कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन से? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन. नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज. ठीक है जी, अगर ये कंक्लूजन इसमें से एक भी फॉलो कर रहा होता तो ऑब्वियसली आपका करेक्ट आंसर बदल जाता. तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन. दिस वॉज पार्ट 5. पार्ट 1-4 देख लीजिएगा. इसके साथ एक जजमेंट का वीडियो भी अपलोड हो रहा है, वो जजमेंट्स के नाम भी नोट डाउन कर लीजिएगा, हर लॉ एग्जाम में आपको काम आएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन इन द DU LLB वीडियो सीरीज. थैंक यू सो मच.